चैलेंज किया उसके बारे में क्या कहना है आप? श्री सीताराम भगवान की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और हम स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। नागपुर की संस्था ने दी थी चुनौती, चमत्कारी दावे करने का आरोप, बागेश्वर धाम ने दी सफाई। सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि बागेश्वर सरकार ने दो दिन पहले कथा समाप्त कर दी, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। दिव्य शक्ति का दावा साबित करने पर 30 लाख रुपए जीतने की चुनौती थी, लेकिन बागेश्वर सरकार जरूरी काम का हवाला देकर निकल लिए। है ना आश्चर्यजनक खबर। इस खबर के फैलने के बाद बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार ने चमत्कार को चुनौती देने वालों को जवाब देते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। नागपुर में कथा कर बागेश्वर धाम लौटे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हम सालों से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी है ना हम कोई गुरु है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चमत्कार के दावे पर कानून का उल्लंघन किया है। शास्त्री बोले, हमें किसी भी सरकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमें बागेश्वर बालाजी पहले ही प्रमाण दे चुके हैं। हम सालों से बोल रहे हैं कि ना हम कोई चमत्कारी है ना हम कोई गुरु है ना ही हम कोई ईश्वर है, हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के सेवक है। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं। हमने आगामी सभी कथाओं के समय को दो दो दिन कम किया है। दरबार यथावत रहेगा क्योंकि वो बालाजी की प्रेरणा से लगता है। नागपुर में भी दो दिन का दिव्य दरबार लगा था। नौ दिन की राम कथा के लिए हमने आयोजकों को पहले ही मना कर दिया था, इसलिए राम कथा सात दिन तक की गई। रायपुर और टीकमगढ़ की कथा को भी दो दो दिन के लिए घटाया गया है। गुरु जी का जन्मदिन है इसलिए हम दो दो दिन कथा से घटा रहे हैं। सेम टू यू, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, हमें नहीं पता, हमें तो कल ही पता चला था। ये सब होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात मजबूती से उठाई है उसके पीछे आदिकाल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, आगे भी लगते रहेंगे। सनातन विरोधियों की ठटरी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर जनता ने भी कमेंट्स किए हैं। अरविंद नाम के एक यूजर ने लिखा, जनता को मूर्ख बनाकर पैसा लूटता है, ए जेल में होना ही चाहिए। चक्रपाणी पांडे नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ कोई बात मनवा नहीं सकते। अक्षय नागपाल नाम के ट्विटर यूजर ने कहा, ई तो भाग खड़ा हुआ, लगता है चमत्कार करने में दिक्कत आ रही होगी। खैर गलती इन बाबा की भी क्या माने, जनता ही मूर्ख है जो आपके कर्म से ज्यादा इन बाबाओं के चक्कर में पड़ती है, फिर बाद में कोर्ट में खड़ी रहती है कि बाबा जी ने शोषण कर दिया। अभिषेक कुमार राय नाम के यूजर ने लिखा, ऐसे बाबा लोग जनता का गलत तरीके से ज्ञान देकर अंधा पैसा लूट रहे हैं, जिनकी वजह से आज भारत में हर जगह अंधभक्ति फैली हुई है। इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठक श्याम मानव ने बताया कि वीडियो में महाराज कह रहे हैं कि भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया गया है, गंदी तांत्रिक क्रिया है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तत्काल मृत्यु, अभी तक घर में 5 मृत्यु हुई है पितृ दोष के कारण, पिता का नाम शंकरलाल है। माइक से बोले, हम तुम्हारे सारे कान खोल देंगे। मानव ने आगे बताया कि वीडियो सामने आने के बाद 9 जनवरी को समिति ने महाराज को नाम, आयु, मोबाइल नंबर और दूसरे रूम में रखी 10 वस्तुओं का नाम बताने पर 30 लाख रुपए देने की चुनौती दी थी, लेकिन महाराज ने चुनौती स्वीकार नहीं की और 13 जनवरी तक चलने वाली कथा को दो दिन पहले 11 जनवरी को ही खत्म कर दी और महाराज नागपुर से चले गए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके।